देखो दोस्तों, जैसे ही प्रेस किया आप देखो ये चारों इंडिकेटर एक साथ जलने लग गए। इतना लंबा हाथ नहीं है ना कानून जैसा कि वहां तक हाथ पहुंचा सकूं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरी जरूर देखना, स्किप कर दी तो बहुत सकता है ज्ञान मिस हो जाए कुछ, और ज्ञान मिस हो गया तो आपको पता है नुकसान हो सकता है आपका भारी वाला। जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। ये जो बॉक्स आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है सिमटेक का हजार्ड मॉड्यूल, जो कि है यामा FZS वर्जन 2.0 के लिए। तो यार ये डब्बा आप चारों तरफ से देख लो, और इस पे जो मॉडल है ये देखो, ये है इसका मॉडल नंबर जो कि है YMHV2WS4, और इसका जो MRP है 1899 मतलब 1899 रुपये। एक रुपया कम छोड़ के कंपनी वाले एहसान करते हैं थोड़ा सा, जो कि मुझे कम लगता है, पूरे ही कर दिया करो ना यार, ये गलत तरीका है तुम्हारा। तो यार सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मैंने मंगाया है अपनी FZ वर्जन 2 के लिए, जो कि मेरे फ्रेंड की है और उसको भी हजार्ड मॉड्यूल लगाना था तो उसके लिए मंगाई है, और इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है लगभग 1249 रुपये। अब आप कहेंगे कि यार इतना सस्ता कैसे इस पे जब इतने पड़े हैं, तो यार आप लोग चाहो तो मेरा एक कूपन कोड यूज कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो चेक करोगे तभी पता लगेगा कूपन कोड क्या है, तो वीडियो जरूर देखना कि इसका इंस्टॉलेशन भी मैं करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल मैं इसको अनबॉक्स करते हैं कि इसमें क्या क्या निकलता है। तो दोस्तों इसमें निकलता है एक मेन मॉड्यूल, आप इसका भी मॉडल नंबर वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल नंबर दिया है इसका, और ये ऊपर इसके कुछ नीचे की तरफ इसके सीरियल नंबर वगैरह दिए हैं यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये FZ वर्जन 2 के लिए। अभी मैं आपको बाइक भी दिखाऊंगा। पहले तो ये निकलता है मेन मॉड्यूल, दूसरा एक ये वायर निकलता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है बाइक में, और तीसरा जो निकलता है वो है बटन, जो कि मैंने गाड़ी पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बटन इंस्टॉल कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी मैं वायरिंग नीचे की ओर डालने वाला हूँ। अभी इसको खोलूंगा गाड़ी को, उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन चालू करूंगा आगे का। अभी आपको बाइक दिखा देता हूँ कि यामा FZS वर्जन 2 ही है। ये देखो ये FZS, और इधर लिखा हुआ है इसका वर्जन 2.0। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है और 2017 का मॉडल है। तो अगर कोई भी 2017 वर्जन 2 के लिए हजार्ड मॉड्यूल ढूंढ रहे हैं तो इस मॉड्यूल को कंसीडर कर सकते हैं, पूरी तरह से फिट हो जाता है बाइक में। तो दोस्तों अगर आप इस हजार्ड मॉड्यूल को देखोगे तो इसमें एक कनेक्टर है जो कि 6 पिन का है, और एक है 2 पिन का और एक है सिंगल पिन का। तो यार आपको बता दूं कि ये वाला जो है ये तो है बटन के लिए, जो कि बटन मैंने गाड़ी के हैंडल पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। और आपको बता दूं जनरली जो हजार्ड मॉड्यूल होते हैं वो बाइक में पीछे की ओर लगते हैं, जहाँ पे पीछे के इंडिकेटर की वायरिंग होती है, लेकिन ये वाला जो है मॉडल स्पेसिफिक है, इस वजह से ये वाला आगे लगेगा, और ये कहाँ लगेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा पूरी तरह से। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरी जरूर देखना, स्किप कर दी तो बहुत सकता है ज्ञान मिस हो जाए कुछ, और ज्ञान मिस हो गया तो आपको पता है नुकसान हो सकता है आपका भारी वाला। तो ये मॉड्यूल आप देख लो पूरी तरह से, इसकी कनेक्टर पिन देख लो, ये देख लो इसमें एक में 5 हैं और इसमें 6 की 6 पूरी हैं, ऐसा नहीं है कि एक में दोनों में बराबर हैं, तो ये भी कुछ डिफरेंस है इसमें, और ये वही वाला मॉड्यूल है ये देखो। तो आगे काम चालू करते हैं, गाड़ी को खोलते हैं, हेडलाइट वगैरह उतारते हैं। यार वो आपको उतारना आता ही होगा, नहीं आता है तो आप अपने लोकल मैकेनिक से इजीली उसको उतरवा सकते हो। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने ये FZS वर्जन 2.0 की हेडलाइट पूरी उतार दी है, और ये देखिए हेडलाइट यहाँ पे टंगी हुई है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ ये वाला कनेक्टर। तो यार ये वाला कनेक्टर ना थोड़ा छुपा हुआ सा रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख सकते हो ये वाला कनेक्टर यहाँ पे है। ये थोड़ा गंदा ज्यादा ही हो रहा है क्योंकि ये गाड़ी पहले कभी खुली नहीं है इससे पहले, इस वजह से इस पे कुछ मिट्टी हद से ज्यादा ही जम गई है, 2017 से जम रही है लगातार। तो यार ये वाला कनेक्टर यहाँ पे है, अब क्या करना है मुझे, सिंपल बस ये वाला कनेक्टर अनप्लग करना है यहाँ से, एक हाथ से तो होगा नहीं यार, ये तो आप भी जानते हो, तो दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कनेक्टर मैंने ओपन कर दिया है, और आप इसमें वायर के ना कलर कोड भी मिला सकते हो। यहाँ पे देखो ये कुछ एक वॉयलेट कलर का है, ये वाइट ब्लैक है, और यहाँ बराबर में येलो भी है, और ऊपर की ओर है यहाँ पे ग्रीन वाला कलर है ऊपर की ओर, और येलो वाला भी है, और साथ में एक ब्राउन भी है। अगर इस वाले कनेक्टर को मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो थोड़े से तारों के कलर कोड में थोड़ा सा अंतर है, बाकी कनेक्टर सेम ही है, ऐसा नहीं है कनेक्टर अलग है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये वाला जो कनेक्टर है ये वाला इसका जो मेल है इसके फीमेल में लगा दूंगा, और इसका जो कनेक्टर का मेल है ये इसके फीमेल में लगा दूंगा। जल्दी से प्लग करते हैं, उसके बाद फिर आगे का आपको दिखाता हूँ कि मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों हजार्ड मॉड्यूल इंस्टॉल तो कर दिया है अभी फिलहाल में, और ये इसका वो नेगेटिव का टर्मिनल है जो कि नेगेटिव में लगेगा, कहीं भी आप बॉडी पे कनेक्ट करा सकते हो इसको। तो अभी आपको चेक कराने के लिए इसको एक बार बॉडी पे लगा के और आपको इंडिकेटर की फ्लैशिंग दिखाता हूँ।
तो देखिए अभी मैं गाड़ी ऑन कर रहा है मेरा फ्रेंड, और अभी मैं इसको एक बार कनेक्ट करूंगा ना, जैसे ही तो देखो आप इंडिकेटर किस तरीके से ब्लिंक कर रहे हैं और ये सारे ही जल रहे हैं। एक बार ये बटन प्रेस करना ज़रा, ये वाला बटन, वो हजार्ड मॉड्यूल का बटन प्रेस करो। देखो दोस्तों जैसे ही प्रेस किया आप देखो ये चारों इंडिकेटर एक साथ जलने लग गए, पीछे के भी जल रहे हैं यार, पर इतना लंबा हाथ नहीं है ना कानून जैसा कि वहाँ तक हाथ पहुँचा सकूँ, तो आप यहाँ से ही थोड़ा काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो बस। तो ये देखिए पूरी तरह से काम कर रहा है परफेक्टली, मॉड्यूल यहाँ पे लटका हुआ है आप देख रहे हैं फिलहाल में, और ये नेगेटिव का टर्मिनल मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अभी मैं इसको किसी बोल्ट के साथ टाइट कर दूंगा जहाँ भी पॉसिबल होगा, और कूपन कोड जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। तो देखिए यार ये अभी तो लटका हुआ है, अब मैं सोच रहा हूँ इसको टांगू कहाँ पे, तो यार ये सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है इसको टांगना। मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे करके यहाँ पे टांग दिया जाए, यहाँ भी ये टांगा जा सकता है, और भी कोई दो चार जगह हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी है कि कहाँ पे टांगा जाएगा। अभी मैं देखता हूँ जो भी बेस्ट पॉसिबल जगह होगी वहाँ पे इसको टांगूंगा हजार्ड मॉड्यूल को। इसके साथ दो जिप टाइज भी आई हैं, आपको बताना भूल गया, डब्बे में नीचे पड़ी थी तो वो दिखी नहीं थी उस टाइम पे, पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो जिप टाइज भी आई हैं, और वो मैं इसके साथ साथ यहीं कहीं पर टांगूंगा इसको। और कोई तो जगह मुझे भी नहीं लग रही यहाँ पे कि कुछ और जगह है इसकी टांगने की। बाकी इसको टांगने के बाद आपको फाइनल दिखाता हूँ कि कैसी लगेगी बाइक, और इंडिकेटर जलने के, चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं तो बाइक कैसी लगती है, मस्त लगती है या नहीं लगती, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो देखिए दोस्तों ये जो नेगेटिव टर्मिनल है मैंने कनेक्ट किया है, इसकी जो डिस्क के ब्रेक की पाइपलाइन जो जा रही है ना उसको, जो पकड़ने वाला जो चिमटा सा है उसमें कनेक्ट कर दिया है, और वहीं से इसको अर्थिंग मिल रही है। आप ये मत सोचना कि आप इन पे लगाओगे, ये वाले जो दो वोल्ट है ना इन पे लगाओगे तो अर्थिंग नहीं मिलेगी प्रॉपर, ये नेगेटिव इनमें बिल्कुल नहीं आ रहा, बॉडी से बिल्कुल भी अटैच नहीं है आयरन में कहीं भी, लेकिन वो वाला अटैच्ड है। तो अभी देखिए फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखिए जैसे ही मैं बटन ऑन कर रहा हूँ तो देखना क्या होगा। देखो ये अभी इसमें हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं तो थोड़े ऐसे चल रहे हैं, अभी इनमें कुछ टाइम बाद LED बल्ब भी लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जलते हैं, उसको बंद करना है तो सिंपली थोड़ी देर दबा के रखो बंद हो जाता है, दोबारा ऑन करना है तो बस एक बार दबाओ चालू हो जाता है, और थोड़ी देर दबा के रखोगे कुछ ऐसे तो ये बंद हो जाएगा। ये इसका फंक्शन है, पैटर्न चेंज करने के लिए जल्दी जल्दी पुश करना है और कुछ नहीं करना। ये देखो ये पैटर्न चेंज हो रहे हैं इसके, और थोड़ी देर दबा के रखोगे तो बंद भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों काफ़ी देर सोचने के बाद कि इसको कहाँ लगाया जाए कहाँ लगाया जाए, फाइनली मैंने ये सिमटेक का हजार्ड मॉड्यूल इस लाइट के ऊपर लगा दिया है। मुझे इसमें दो छेद करने पड़े, एक यहाँ पे और एक इधर की तरफ, और ये मॉड्यूल यहाँ पे पूरी तरह से लग गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी था थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो मुझे यहीं पे ही लगाना बेटर लगा इसको, क्योंकि बाहर कहीं पे लगाता तो ये लटकता रहता और वहाँ पे हिलता रहता। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है लाइट में लगने के बाद। और एक बात आपको बता दूँ कि इसका जो मेल सॉकेट है वो इधर की तरफ ही रखें और फीमेल सॉकेट इधर की तरफ। ये मतलब गाड़ी अगर इस तरीके से रहती है कि ये वाली जो साइड है वो लेफ्ट साइड है, ये वाली जो है ये लेफ्ट साइड है, और ये वाली जो है राइट साइड है, तो राइट साइड पे इसके ये फीमेल कनेक्टर हैं उनको रखें, और इधर साइड पे जो मेल कनेक्टर हैं उनको रखें। इससे क्या होगा कि ये जो वायरिंग है ना इधर की तरफ, ये वाली वायरिंग यहाँ पे है और ये ज़्यादा दूर जाएगी नहीं इस जगह से, तो इससे ये वाला जो कनेक्टर है डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला तो कहीं भी मूव हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा लूज है, लेकिन ये वाला फिक्स्ड है ऑलमोस्ट, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों ये फाइनली हजार्ड मॉड्यूल इंस्टॉल होकर पूरी तरह से चालू हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि बाइक के चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं। मैं इसका पैटर्न चेंज करके आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए ये पैटर्न चेंज कर दिया। अभी इसमें हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं इस वजह से इनकी थोड़ी ब्लिंकिंग धीमे हो रही है, अभी कुछ टाइम बाद इसमें जब LED इंडिकेटर लगा देंगे, LED वाले बल्ब लगा देंगे तो उस टाइम पर इनकी जो फ्लैश है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि हजार्ड मॉड्यूल परफेक्टली काम कर रहा है, और जैसे मैंने सेट किया था उसी तरीके से काम कर रहा है, और आपको दिखा भी देता हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा कहीं से कुछ दिख भी नहीं रहा है बाहर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा किसी को कि यहाँ पे कुछ भी एडिशनली लगाया गया है, ना तो इधर से दिख रहा है और ना ही इधर से दिख रहा है, क्योंकि हजार्ड मॉड्यूल मैंने लाइट के ऊपर चिपका दिया है जैसा कि मैंने दिखाया अभी आपको, तो उसी तरीके से आप इसकी वायरिंग करना प्रॉपरली परफेक्ट हो जाएगी सही तरीके से, और जो भी यहीं पे ही एक्चुअल में एक लोकेशन है उसी पे ही लगा सकते हो, और कोई जगह इसमें है ही नहीं एक्स्ट्रा लगाने के लिए, तो यार इसी चीज़ का ध्यान रखना। यही था आज की वीडियो में कि FZS 2 वर्जन 2.0 में हजार्ड मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करना है, और ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इंस्टॉल होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करना,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियोस के लिए। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी सजेशन है जो कि आप मुझे पर्सनली देना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मैसेंजर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर आके मुझसे चैट कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, हैव अ ग्रेट डे।